देखिए ऊंचाई वगैरह है जो काफ़ी दी गई है, और इसके अगर फ्रंट के सिलेंडर इंजन के साथ में ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों, और 4 से 5 फुट का रोटावेटर भी है, आसानी से चला सकता है। 30 HP का ट्रैक्टर है, पिछला हिस्सा देखिए इसमें आपको। चलिए किसान भाइयों एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ऑर्चर्ड सीरीज में है जो मेसी है वो भी काम कर रहा है भाई, ऑर्चर्ड प्लस बोलते हैं इसे। तो ये ऑर्चर्ड सीरीज का ट्रैक्टर है किसान भाइयों, एक कॉम्पैक्ट मिड साइज ट्रैक्टर बोल सकते हैं इसको, और ऑलराउंडर ट्रैक्टर है ये। किस प्रकार से ऑलराउंडर है उसके बारे में अपने जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए पहले तो ये पुराने वाली शेप है इसकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए ये मेसी फर्ग्यूसन 30 है जो कि 2 सिलेंडर इंजन के साथ में ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों, और 1670 cc का इसका इंजन लिया गया है, ठीक है। और देखिए लंबाई वगैरह देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, मतलब क्या है कि थोड़ा सा एडवांस बनाने की इसको है जो कोशिश की है कंपनी ने। तो इसमें इनलाइन पंप दिया गया है जो उधर वाली साइड में मैं दिखाऊँ, सिम्पसन का इसमें आपको इंजन मिलेगा किसान भाइयों। और ये देखिए इनलाइन पंप दिया गया है, सिम्पसन का इंजन, इधर वाली साइड में ही साइलेंसर है जो इसका दे रखा है, और ये डुअल क्लच में आता है ये ट्रैक्टर भी। और फ्रंट साइड में इसके देखिए बड़ी बड़ी हेलोजन लैंप मिलेगी आपको, और साथ में क्लासिकल टाइप की। और ये देखिए फ्रंट एक्सल देखिए किस प्रकार से मोड़ा हुआ एक्सल है वो दिया गया इसका। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका है ना इधर वाली साइड से दिखा देता हूँ। तो देखिए ये देखिए ऊंचाई वगैरह है जो काफ़ी दी गई है, और इसके अगर फ्रंट के टायर की बात करें अपने किसानों भाई, तो इसमें आपको फ्रंट के टायर है जो 5/50/16 के दिए गए हैं, ठीक है। और ड्राइवर व्यू दिखा देता हूँ एक बार, ऊपर बैठने के बाद में कैसा आरामदायक फील हो रहा है या नहीं ये देख कर लेते हैं अपने। वाह यार क्या बात है, गजब का लग रहा है ट्रैक्टर। इजी स्टेयरिंग व्हील है छोटा, यानी कि इसको है ना है तो ये मैनुअली स्टेयरिंग व्हील, लेकिन मतलब स्टेयरिंग व्हील को छोटा कर दिया गया इसको। इसमें आपको 8 फॉरवर्ड के और 2 रिवर्स की गियर स्पीड है वो देखने को मिलेंगे। बाकी ये कुछ इस प्रकार का क्लासिकल टाइप का आपको इसके अंदर मीटर वगैरह है वो देखने को मिलेगा, और ऑयल बाथ के साथ में है जो इसका एयर फिल्टर है वो दिया गया, और ये कुछ इस प्रकार का इसका मिरर वगैरह है जो पीछे देखने के लिए आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कॉन्स्टेंट मेस और स्लाइडिंग मेस का कॉम्बिनेशन है जो देखने को मिलेगा गियर में, और PTO इसमें 540 RPM का PTO दिया गया, इसको आप ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, इसके लिए ये लीवर है वो दिया गया। डुअल क्लच मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। और PTO इसके अंदर क्या है किसान भाई, LPTO और 540 RPM वाला PTO जो 1500 ERPM है जो इंजन रेटेड RPM उस पर आपको है जो देखने को मिलेगा किसान भाइयों। बाकी 8 फॉरवर्ड के 2 रिवर्स के गियर दिए गए हैं, और ये कुछ इसकी लिफ्ट की लीवर है वो दे रखी है। लिफ्ट लीवर यानी कि लिफ्ट तो आपको पता ही है, मेसी के सिवाय कोई और है जो खास नहीं है, क्योंकि मेसी की लिफ्ट सबसे बेस्ट होती है। बाकी देखिए इसमें आपको ऑयल इंबर्स्ड ब्रेक मिल जाएंगे, ऑयल इंबर्स्ड ब्रेक है जो। और बाकी पिछले टायर की अगर बात करें किसान भाई, तो 12/4/24 के पिछले टायर दिए गए, और ये देखिए 4 से 5 फुट का रोटावेटर भी है, आसानी से चला सकता है। 30 HP का ट्रैक्टर है, पिछला हिस्सा देखिए इसमें आपको EPI के साथ में पिछला हिस्सा है जो देखने को मिलेगा, ये देखिए सही तक। तो देखिए हैं अच्छा राणे कंपनी, ठीक है अच्छा। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा पुराने वाला इसमें डिज़ाइन है वो ऐड किया गया, तो थोड़ा सा यार क्लासिकल भी लग रहा है, मॉडर्न भी लग रहा है, थोड़ा सा मतलब अजब का ट्रैक्टर है जो ये कंपनी ने तैयार किया है। और बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना किसान भाई। पिछले टायर 12/4/24 के दे रखे हैं इसके, और टैफे की बेजिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एवरेज के मामले में क्या है कि ये सबसे बेस्ट माना जाता है ट्रैक्टर है जो मेसी कंपनी का, 2 सिलेंडर इंजन है आपको पता है भी, 2 सिलेंडर इंजन है तो पक्का एवरेज बढ़िया देगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल, धन्यवाद।